भारतीय जनता पार्टी के 35 एमपी कम हो जाएं तो आज ही केंद्र में सरकार गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 35 एमपी कम हो जाएं तो आज ही केंद्र में सरकार गिर जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आज कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। मैनपुरी की बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे। प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, ऐसे में अखिलेश यादव निकाय चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक ले रहे हैं। फिलहाल प्रदेश भर से आए गए उम्मीदवारों ने अपने चयन को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में आवेदन पत्र भी दिया है। सुबह से ही सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत के बाद लखनऊ पहुंचे हैं अखिलेश यादव और आप देख सकते हैं यहां पर निकाय चुनावों को लेकर अखिलेश यादव की बैठक चल रही है। कई पदाधिकारी जो हैं, विधायक जो हैं, वो लगातार सपा कार्यालय पहुंच रहे हैं और निकाय चुनावों को लेकर बैठक चल रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे, लेकिन शिवपाल यादव अभी सफाई में हैं और ये कहा जा रहा है कि शाम तक अखिलेश यादव भी सफाई पहुंचेंगे। हालांकि अभी जो बैठक है वो अंदर अखिलेश यादव ले रहे हैं और कई जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि निकाय चुनावों को लेकर जो बड़ी बैठक सपा कार्यालय के अंदर चल रही है उसमें अखिलेश यादव खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। और डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद में ये पहला मौका है जब सपा कार्यालय में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लोगों का जो कार्यकर्ता है उनका जोश लगातार बढ़ा हुआ है और उनको लगता है कि निकाय चुनावों में सपा एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9। नगर निकाय चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर अखिलेश यादव ने चर्चा की। आपको बता दें कि पहले से तैयार संभावित नामों पर अखिलेश यादव समीक्षा कर नाम फाइनल करेंगे। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए समय मिले इसके लिए आचार संहिता लागू होते ही समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी करेगी। लोकसभा के चुनाव होने, इन चुनाव में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने इसका प्रयास हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीसरे मोर्चे की पहल करी है और दिल्ली में 2 दिन उसकी बैठक हुई है। हम लोगों का प्रयास ये है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो और माननीय अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हो, और जब वो देश के अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे उसके बाद प्रदेश की बागडोर जो है माननीय शिवपाल जी के हाथों में आ जाएगी। वैसे अंदर खाने से ये खबर भी है कि सपा के निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट नहीं कटेगा। समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। इस समय केंद्र में 302 एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर भारतीय जनता पार्टी के 35 एमपी कम हो जाएं तो आज ही केंद्र में सरकार गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस समय सपा के 3 एमपी हैं। अगर सपा के 40 एमपी हो जाएंगे तो केंद्र में हम लोगों की सरकार बन जाएगी।